ये असार अठार गते यानी फर्स्ट जुलाई से अब अपनी उम्र के विषय में मैं क्या बताऊं आपको। शिक्षा मैंने अपने स्कूल से ली पांचवी कुंडे से, उसके बाद जब उस समय दर्जा चार होता था मैंने कीर्तनगर से दर्जा चार पास किया और मिडिल के टाइम पर मुझे महाराजा टेरी से स्कॉलरशिप मिलता था, 10 रुपये मिलते थे उस समय, लेकिन 10 रुपये काफ़ी होते थे। तो वहाँ मुझे उत्तरकाशी भेजा गया क्योंकि उत्तरकाशी में नया जूनियर हाई स्कूल खोला गया था और वहाँ के लोग पढ़ने लिखने की तरफ जरा कम ध्यान था उनका, उनकी काफ़ी 300-400 बकरियाँ होती थी, वो कहते थे पढ़ने से क्या होता है। तो उस स्कूल को चलाने के लिए स्कॉलरशिप पाने वालों को उत्तरकाशी भेजा गया था। मेरे साथ राजेश्वर प्रसाद मुनियाल भी था, मुनियाल गांव का। तो एक साल कक्षा 5 में मैं वहाँ रहा उत्तरकाशी। फिर मैंने महाराजा टेरी से कहा कि ये मेरे लिए बहुत दूर है और मुझे कहीं और भेज दीजिए। तब उन्होंने हमको नगर भेजा था। तो दर्जा 7 मिडिल होता था उस समय, तो दर्जा 7 मैंने नरेंद्रनगर से किया था। दर्जा 7 के बाद फिर हम मसूरी गए, तो मिडिल में इंग्लिश कम पढ़ाई जाती थी तो वहाँ इंग्लिश स्कूल बोलते थे, तो 7 ही में उन्होंने हमको लिया। और इस तरह से सन 47 में मैंने हाई स्कूल पास किया मसूरी गंगानंद इंटरमीडिएट कॉलेज से। फिर उसके बाद मैं 2 साल तक गेल कॉलेज देहरादून में रहा, वहाँ से मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद कुछ 2 साल तक मैं प्राइवेट स्कूल में एज ए साइंस टीचर रहा जूनियर हाई स्कूल में। फिर मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में मैं उस समय क्लरिकल लाइन में भर्ती हुआ था और उस समय यह था कि कमीशन वगैरह के लिए 21 साल उम्र थी, तो मैं कुछ ओवर एज हो गया था। तब मैं ये रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, उसमें मैं निकल गया था रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए, लेकिन उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में रखा गया। फिर कुछ मेरा विचार समाज की सेवा के लिए भी था, तो मैं समाज की सेवा के लिए घर का अकेला होने के कारण तथा कमीशन न मिलना। आप 94 साल की उम्र में भी इतने फिट हैं, इसका राज क्या है? इसका राज यह है कि मैंने कभी उन चीजों का प्रयोग नहीं किया जो स्वास्थ्य के लिए ठीक न हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारी व्यायाम मैं हमेशा करता था, मतलब मेरा खाना उस ढंग का होता था जो शरीर के लिए। रूटीन क्या है आपका आज का? रूटीन तो मेरा, मैं यहाँ घर में रहता हूँ 50 साल से, तो मैं 2 घंटे तो अपने बगीचे में काम करता हूँ अभी भी, सारे काम चाहे खुदाई करनी हो या वो पेड़ों पर नराई गुड़ाई करनी हो, और 2 घंटे मैं अध्ययन करता हूँ, लिखने का काम करता हूँ, कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, जैसे मैंने अभी 3-4 किताबें लिख चुका हूँ, और 2 घंटे मैं अध्ययन करता हूँ, उसमें पेपर भी है और पेपर के साथ किताबें पढ़ता हूँ, और 2 घंटे मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, इस तरह से मेरी जीवन चर्या है घर में। आज के युवाओं को आपका संदेश क्या है कि कैसे फिट रहें? आज के युवाओं के लिए सबसे पहली चीज यह है कि जीवन में समस्याओं का समाधान करें और कठिनाइयों से न डरें, क्योंकि जीवन को एक खेल समझे, जीवन को एक भार न समझे। दूसरी बात, रोज सारी काम जरूर करें, चाहे वो खेल खेलें चाहे कोई और, सारी 2 घंटे सारे काम जरूर करें और अच्छी अच्छी पुस्तकों पढ़ें, जो बड़े बड़े लोगों ने बातें बताई हैं उनका अनुसार चलें तो वो आगे बढ़ सकते हैं।